भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली बारा में सांसद कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। इस दौरान श्रीमाली ने किसान कर्ज माफी बेरोजगारी भत्ता को कांग्रेस के चुनावी जुमले बताते हुए लोगों के साथ में धोखा होना बताया। साथ ही उन्होंने 100 दिन में प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर के कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये जो अभी जो इस प्रकार की घोषणा राहुल गांधी ने करी है कि हम 72,000 रुपए पूरे वर्ष के अंदर देंगे, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ते और एक और उदाहरण है वो है किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी। आपको याद होगा चुनाव के घोषणा पत्र जो कांग्रेस का है उसमें भी एक चीज लागू है कि सत्ता में आने के बाद हम राजस्थान में संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे किसानों की, और परिणाम क्या हुआ कि वो कर्ज माफी गायब हो गई और कर्ज माफी केवल माननीय वसुंधरा जी के समय में जो 50,000 रुपए किसानों के माफ हुए थे उससे अलावा किसी भी किसान के कोई। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।